महापर्व छठ मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसा देवता है जिन्हें मूर्त रूप में देखा जाता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातरुकाल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। महानगर में छठ पूजा के तीसरे दिन मंगलवार को कार्तिक शुक्ला षष्ठी की शाम को व्रती महिलाएं पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाकर परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्तांजलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर बैंड बाजे और ढोल नगाड़े के साथ श्रद्धापूर्वक चल पड़े। सभी छठ व्रती नजदीक के ऐतिहासिक सूर्य कुंड धाम पोखरे पर सूर्य को अर्घ्य दान संपन्न किया। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया की प्रसाद भरे सूप में से पूजा की जाती है। इस दौरान घाटों पर कुछ घंटे के लिए मेले जैसा दृश्य बना रहा। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्रती महिलाएं और पुरुष ने कहा, समाज से भी
बड़े भैया कीर्ति निधि पांडे भैया जी इस मंच पर हैं, ने गोली बरसाई थी हमारे सैनिकों को मारा, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ हम लोग खुशी से मना रहे हैं उनको, तैयारी सुबह से आज भोर से ही तैयारी कर रहे हैं इनका बनाने में, हलवा कर रहे हैं, ये ठकुआ है उनका, पूड़ी है, ये सारा सामान एक एक करके सारा सामान इसमें रहता, कोई ऐसा सामान ना रहा छूटे, ना गन्ना है, केला है, नाशपाती है, हर एक सामान छोटा सामान इनको इनके व्रत के लिए किया जाता है। हम लोग आज अभी यहाँ पे घाट पे आए हैं, यहाँ पे क्या करते हैं इनके घाट के लिए? सूर्यदेव को हम लोग जब तक सूर्यदेव दे देता डूबेंगे नहीं तब तक उनको देखेंगे, अर्घ देंगे, उनकी तैयारी में पूजा पाठ करेंगे, अगरबत्ती कपूर दिखाएंगे, यही सब करेंगे जब तक रहेंगे तब तक दिया दीप। आज का जो व्रत है इसको व्रत आज का बहुत खुशहाली व्रत है सूरजकुंड धाम का। यहाँ से हम लोग 20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ही मनोहारी यहाँ पे रहता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, हम लोग जैसे समय का अर्घ दे के इनको समापन किया जाएगा, फिर सुबह में भोर में आ जाएगा, उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। ये परिवार के सदस्य रहते हैं जो है हमारे साथ, तो आज विगत 10 सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है धूमधाम से, परिवार के बच्चे महिलाएं परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। शुरुआत देखिए भगवान सूर्य का जो है मुख्यतः ये पर्व है छठ का पर्व, और पूर्वांचल के लगभग जो है सभी लोग जो है मनाते हैं इसको, जो है ज़्यादातर लोग मनाते हैं। महिलाओं में देखिए सुहागिन औरतें भी शामिल होती हैं, जो दुखी रहता है जिनके जो है बच्चे नहीं होते हैं या मुरादें पूरी नहीं होती रहती हैं, वो भी जो है दुखी औरतें भी जो है इस पर्व को उठाती हैं।
माता जी जो है मुरादें पूरी करती हैं, माता जी सबकी मुरादें पूरी करती हैं, ऐसा होता चला आया है। अभी क्या होना है? अभी जो है भगवान सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा, सायंकाल दिया जाएगा, डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है, फिर उगते हुए सूर्य का जो है अर्घ दिया जाता है। पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस समय हमने सूर्य को अर्घ दिया है और कम से कम 4.5 घंटे इंतजार किए सूर्य भगवान का। हम एक बजे से आके यहाँ बैठे थे। हाँ, मेरा 7वां साल है।